मेन क्या क्या चीज कवरेज होते हैं इस पर्टिकुलर बुक में, एक है कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन। मैं स्ट्रैटेजी भी बताने वाला हूँ आपको थोड़ा बहुत, कैसे प्रिपेयर करना है सीसैट के बारे में, तो एंड तक बने रह लीजिए, मतलब वीडियो कंप्लीट होने तक। तो एक चीज है कॉम्प्रिहेंशन, तो कॉम्प्रिहेंशन में काफी सारा स्टूडेंट्स हमेशा मिस्टेक करते हैं। तो 25 to 28 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ओके, तो सबको पता है 26 अगर क्वालिफाई किया तो मतलब आंसर ठीक हो गया तो आपका सीसैट क्वालिफाई हो जाएगा 33.33 सम परसेंटेज। बट इंग्लिश में मिस्टेक होने का चांसेस थोड़ा ज्यादा रहते हैं। अगर आपका इंग्लिश बढ़िया है तो कोई इशू नहीं, और आप 20 आउट ऑफ 28 आप इसको पास थोड़ी कर सकते, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो एक-एक पिछली काफी साल पहले क्या होता था, एक लाइक पासेज देता होगा, उसमें तीन चार क्वेश्चन आता था। आजकल क्या है, एक पासेज से एक ही क्वेश्चन आता है, तो आपका टाइम काफी कंज्यूम हो जाता है। अगर आप लाइक 30 का 30 क्वेश्चन इंग्लिश करने के लिए बैठा है तो मोर देन 1.5 आवर आपका लग जाता है। ओके, तो कैसे उसको सोल्व करना है, कॉम्प्रिहेंशन हमेशा जो एडिटोरियल है ना, हिंदू वगैरह, वहां से डायरेक्टली पिक हो जाते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो रोज आप एडिटोरियल पढ़ते जाइए, आपका कॉम्प्रिहेंशन का नॉलेज अच्छा हो जाएगा। तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन कवर करता है, बेसिक न्यूमरसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है इसके इस बुक का अंदर वो कवर करते हैं। ओके, तो इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर सोल्ड क्वेश्चन पेपर, लेटेस्ट 2020 से 2011 तक जो लेटेस्ट पेपर है वो भी आपको मिलने वाला है। ओके, और उसके साथ प्रैक्टिस मॉक टेस्ट भी आपको मिल रहा है। तो मैं इसमें आपको कुछ बताने वाला हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके आप कंटेंट देख सकते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन में लोगों ने तीन टाइप का किया है, लेवल 1 पैसेजेस, लेवल 2 करके, मतलब आप काफी सा पहले जो पेपर है लाइक 2011 से 2020 तक, लेटेस्ट बुक आप खरीदना चाहते हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ वहां से आपको काफी सस्ते अमाउंट में ये वाला बुक मिल जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहले डिस्कस करते हैं, तो आपको जरूरी है क्वेश्चन पेपर देखना यूपीसी कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पूरा कवर करते हैं, और बेसिक न्यूमरसी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इधर प्रोवाइड किया है, और जनरल मेंटल एबिलिटी का भी टॉपिक्स यहाँ पे प्रोवाइड किया है। डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन अल्टरनेटिवली पूछा जाता है, और डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आजकल ज्यादा क्वेश्चन आता है नहीं, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड ऑल, एंड लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो सिलोजिज्म हमेशा एक क्वेश्चन रहते रहता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हर साल रहते हैं, पिछले साल तो 4 to 5 क्वेश्चन, मोर देन 4 5 क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से आता था, और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का एग्जाम्पल्स भी दिया है, और आपको लास्ट में प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया है। तो इसका कैसे इसने इसके साथ आपको कैसे स्ट्रैटेजी यूज करना है उसके बारे में बताया, और ट्रेंड एनालिसिस भी बताया एक्चुअली कौन सा साल में कितना कितना क्वेश्चन इंग्लिश या लॉजिकल रीजनिंग उससे मिला है करके। तो ये काफी यूजफुल है आपका आइडिया मिलने के लिए। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन देता होगा उसके बाद उसका आंसर भी आपको इधर प्रोवाइड करता है। ओके, तो आपका क्वेश्चन आप अगर नहीं आता है तो उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आपको लाइक आराम से इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको थोड़ा हेल्प मिलता है। ओके, उसके बाद पासेज रहेगा, पासेज का क्वेश्चन जो आंसर की भी प्रोवाइड किया, और एक एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा क्यों मैं एक्सप्लेनेशन करके। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते जानी है, सोल्ड क्वेश्चन पेपर तो एक बार देखो, उसके बाद अलग अलग लेवल का पासेज इन लोगों ने प्रोवाइड किया है, और आंसर का एक्सप्लेनेशन भी एंड में प्रोवाइड किया है। ओके, सपोज एक टॉपिक हम देखते हैं एवरेज, एवरेज में हमेशा 4 to 5 क्वेश्चन पूछते रहते हैं सीसैट में, तो आप देख सकते हैं बेसिक एक आइडिया देते हैं एवरेज के बारे में, और कितना क्वेश्चन पूछते रहते हैं उसके बारे में डिटेल्स है, ट्रेंड एनालिसिस है, उसके साथ साथ आपको क्वेश्चंस मिलेगा यूपीएससी के जो एक्चुअल क्वेश्चंस पूछा गया है, तो आपको एक आइडिया मिलेगा यार क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक पूरा सेट दिया जाता है, और उसका आंसर भी आपको देते हैं। अब ऐसा करके देखे परसेंटेज, तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीसैट के लिए सब कुछ ये वाला बुक में कवर कर दे, तो काफी यूजफुल बुक है। तो स्ट्रैटेजी आपको इंग्लिश और मैथ्स दोनों आपको पढ़ना है एक्चुअली, सिर्फ इंग्लिश में रिले करना इतना अच्छा नहीं रहता है, कभी कभी 25 क्वेश्चन भी पूछा जाता है, फिर नेगेटिव मार्क तो आना ही है आपको, थोड़ा बहुत मतलब एक्यूरेसी इतना आपका नहीं रहेगा पासेज वगैरह में, 100 out of 100% एक्यूरेसी रहेगा, तो थोड़ा बहुत इधर उधर आने के चांस है। तो इसलिए मैथ्स में भी कुछ एरिया आप स्ट्रॉन्ग करके रखो, तो आपका जो नेगेटिव मार्क्स आने वाले वो भी बैलेंस करके आप आराम से सीसैट को क्वालिफाई कर सकते हो, कर सकते हैं करके। ओके, तो ये इसका ये बुक खरीदना है तो इसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और आपका दोस्त लोगों के साथ भी ये वाला वीडियो शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।